The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So heart failure, ek jisko hum congestive heart failure bol sakte hain, isme basically heart ka jo main काम है कि ब्लड को बाहर पंप करना वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कई सारे कंडीशंस में हो सकता है मान लीजिए कि आपको हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो खून की नसें ब्लॉक्ड हैं तो पंप ही सही से नहीं करेगा अगर हार्ट पंप ही नहीं करेगा सही से तो भी हार्ट फेल हो सकता है सो हार्ट अटैक जो कि खून की नसों में ब्लॉकेज है उसके वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है हार्ट फेलियर के वजह से अटैक नहीं होता हार्ट फेलियर और भी कारणों से हो सकता है हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से भी हार्ट फेलियर रह सकता है ग्रेजुअली हार्ट कमज़ोर हो जाता है क्योंकि इतनी सारा प्रेशर है बहुत ज़्यादा हार्ट रेट होने पर धड़कन होने पर भी हार्ट फेलियर हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हार्ट फेलियर परमानेंट होते हैं हार्ट फेलियर को रिवर्स भी किया जा सकता है कई बार बहुत ज़्यादा धड़कन तेज होने पे थक गया हार्ट टैकीकार्डिया इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी रिवर्सिबल होती है स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी रिवर्सिबल होती है कई बार ऐसा होता है कई बार कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट फेल हो जाना कमज़ोर हो जाना यानी उसकी पंपिंग पावर कम हो जाना रिवर्सिबल होता है सही ट्रीटमेंट में सही वक्त पे सही इलाज मिलने पे सही साइन एंड सिम्टम पहचान लेने पे राइट और हार्ट फेलियर के साथ लंबे जीने के लिए भी आपको उसके बेसिक समझना पड़ेगा लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे रेगुलर आपके बॉडी के अंदर जाने वाले स्ट्रेस आपकी वज़न आपका पानी आपके अंदर जाने वाला पानी क्योंकि जितना ज़्यादा पानी उतना ब्लड वॉल्यूम उतना आपका हार्ट नहीं हैंडल कर पाएगा अगर आपका हार्ट फेल हो रहा है सेम थिंग गोज फॉर सोडियम अगर सोडियम हाई होगा ब्लड प्रेशर हाई होगा ब्लड वॉल्यूम हाई होगा वो भी हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा तो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट का बेस लाइन अगर बोलें द मेन पॉइंट इज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द हार्ट राइट सो लो सोडियम लो वाटर रिड्यूस स्ट्रेस रिड्यूस वेट एंड मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी हार्ट के फेलियर के साथ भी लाइफ की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी रिमेंबर सो हार्ट फेलियर होगा ये कैसे पता चलेगा व्हाट आर द सिम्टम्स चाहे वो एक्यूट हार्ट फेलियर हो चाहे वो क्रोनिक हार्ट फेलियर हो होगा क्या आपको सांस फूलेगी हार्ट फेलियर का नंबर वन साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको जब भी आपको सांस फूलती है चाहे वो चलने फिरने पे हो बैठे बैठे हो दैट कैन बी हार्ट फेलियर चलने फिरने पे हो रही है दैट इज़ मोर लाइकली टू बी हार्ट फेलियर फटीग वीकनेस पैरों में सूजन बिकॉज हार्ट आगे पंप नहीं कर पा रहा तो पीछे पूरी बॉडी में आने वाला ब्लड बैकअप हो रहा है वहाँ पे बेसिकली इट्स अ ट्रैफिक जैम पीछे जैम लगा पड़ा है सो ये लिवर कैन गेट कंजेस्टेड लिवर पे स्वेलिंग आ सकती है पैरों में स्वेलिंग आ सकती है पेट में पानी भर सकता है सो हार्ट फेलियर कैन लीड टू कंजेशन द बैक फ्लो है कि नहीं सो दैट कैन लीड टू पैरों में स्वेलिंग और हार्ट जब प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा सामने खून नहीं जाएगा तो किडनी को खून नहीं जाएगा इधर खून नहीं तो बोलेगा भाई मेरे को खून चाहिए दिमाग बोलेगा खून चाहिए हार्ट को बोलेगा धड़को वो तेज बढ़ जाए तो टैकीकार्डिया धड़कन बढ़ जाएगी राइट धड़कन बढ़ सकती है लेकिन पंपिंग सही नहीं है राइट रिदम प्रॉब्लम आ सकती है बीच में अरे कर रहा हूँ ना समथिंग लाइक दैट सो इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी थिंग विच कैन हैपन ड्यूरिंग हार्ट फेलियर रिमेंबर ओके देन देर कैन बी कि सांस नहीं ले पा रहे हैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे किसी किसी को खांसी आ जाती है खस खाऊ 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 प्रसिस्टेंट कफ कैन बी देयर पेट में स्वेलिंग एज आई टेल सेड वेट गेन हो सकता है इसी वजह से पानी भरता जा रहा है तो वेट गेन होगा भूख लगनी बंद हो जाएगी कई बार कॉन्सेंट्रेशन और छोटे मोटे सिम्टम हो सकते हैं कई बार अगर हार्ट फेलियर अटैक की वजह से हुआ तो छाती में दर्द भी हो सकता है रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं हार्ट फेलियर के तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है डॉक्टर के पास जाइए तुरंत सो हार्ट फेलियर के कारण क्या क्या हो सकते हैं रिमेंबर बहुत सारे कारणों से हार्ट फेलियर हो सकता है हार्ट के अंदर बहुत सारे पंपिंग चेंबर दो चेंबर होते हैं दो साइड के हार्ट दो साइड के हार्ट के बेसिक चेंबर्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट राइट सर्कुलेशन जो होता है वो गंदा खून आपके लंग्स को भेजता है लंग्स से अच्छा होके लेफ्ट में आता है लेफ्ट वाला पूरी बॉडी को भेजता है तो लेफ्ट वाला फेल हो गया तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है उससे क्या होगा आगे
खून नहीं जाएगा, बैक प्रेशर कहाँ जाएगा, लंग में, तो छाती में, सांस फूलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पहला साइन। राइट साइड वाला जो जो लंग को फेंकता है वो भी फेल हो सकता है, वो फेल हुआ तो लंग में खून नहीं जाएगा, लंग में खून नहीं जाएगा तो सांस शायद ना फूले, लेकिन पीछे बैकअप होके लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में सूजन, पेट में सूजन, स्वेलिंग आ सकती है, बैक तक में पानी भर सकता है आपके राइट साइडेड फेलियर में। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होता है, हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा, पंप ही नहीं कर पा रहा, दैट इज सिस्टोलिक फेलियर। हार्ट को पंप होने के बाद रिलैक्स होना है, रिलैक्स नहीं हो पा रहा, रिलैक्स नहीं होगा तो पानी कैसे, खून कैसे भरेगा, तो डायस्टोलिक फेलियर। सो सिस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर, ये दोनों चीजें होती है, रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, टू मिनट्स, सॉरी। सो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और जैसे मैंने कहा इसके कारण, नंबर वन हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा ज़्यादा देर तक, कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर हार्ट फेलियर, हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस हाई हार्ट रेट है, हार्ट की मसल डैमेज हुई है, मान लो किसी कारणवश मायोकार्डाइटिस हो गया, कोई बीमारी जो हार्ट की मसल को अटैक कर रही है, कोई कीमोथेरेपी, कोई दवा दे दी हार्ट के अंदर, दैट कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। तो हार्ट के अरिदमियाज हो गए, रिदम प्रॉब्लम है, हार्ट पे जोर ही जोरदार पड़ रहा है, तो भी हार्ट डैमेज हो सकता है। सो ऑल दीज क्रोनिक डिजीजेस, जैसे कभी वही हाइपरथायरॉयडिज्म से हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म से हार्ट, आयरन क्रोमेटो से बहुत ज़्यादा आयरन खा लिया तो भी होता है। सो बहुत सारे छोटे मोटे रेयर कॉजेज, ये कॉमन नहीं है, ये रेयर है, लेकिन सबसे कॉमन है हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर एंड टैकीकार्डिया। जी हाँ, हाई ब्लड शुगर से हार्ट अटैक होता है, उससे हार्ट फेलियर। सो दोज आर फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं। सो डायबिटीज इज रिस्क फैक्टर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, मेडिसिन, कोई किसी कोई बहुत मोटा है रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीप एपनिया जिसको है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, कोई वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल यूज, इरेगुलर हार्ट बीट्स, किसी को हो गई, ये सब रिस्क फैक्टर। अब हो गया हार्ट फेलियर, क्या होगा, आगे ब्लड नहीं जा रहा, किडनी फेलियर, किडनी डैमेज, राइट, सही से हार्ट आगे पंप नहीं कर रहा, बैक प्रेशर होके, मान लो लेफ्ट वाला पंप नहीं कर रहा तो लंग में, लंग से फिर धीरे धीरे राइट वाला हिस्सा फैलते जा रहा, राइट वाले हिस्सा फैल जाएगा तो अंदर वैल्व होती है, वो वैल्व फैल जाएगी तो वैल्व कैसे, लीक होनी शुरू हो जाएगी। सो वैल्व्स कैन लीक, सो यू कैन हैव हार्ट वैल्व प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। रिदम प्रॉब्लम आ सकती है, जब हार्ट का चेंबर फैल गया तो वो जब प्रॉपरली धड़कता है तो वो ऐसे ऐसे धड़केगा, रिदम प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस बैकिंग प्रेशर से लिवर में, पेट में प्रेशर होगा, लिवर फेलियर हो सकता है। जी हाँ, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर इज अ डेंजरस डिजीज, इसका ट्रीटमेंट बहुत जोरदार, लेकिन प्रिवेंशन आपके हाथ में है, प्रिवेंशन आपके हाथ में है। स्मोकिंग मत करो, उल्टी सीधी दवाएं, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी चीज़ों को मैनेज करो, राइट, ड्रग्स मत लो, अल्कोहल मत लो, फिजिकली एक्टिव रहो, अच्छी नींद लो, अच्छी हेल्दी डाइट लो, हेल्दी वजन मेंटेन करो, स्ट्रेस मत रखो, ठीक हो जाओ, मतलब सही रहोगे, हार्ट हेल्दी रहेगा, बस दैट इज द की हियर। आई होप आपको हार्ट फेलियर का जिस्ट समझा होगा, ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इतने अच्छे से आई डोंट थिंक किसी ने समझाया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, और समझ आया तो भाई लाइक करके शेयर करना इस पॉइंट को, इन सारे कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन हो तो जरूर लिखो, राइट।